हाय, हाय। आज हम आए हैं छत्तीसगढ़ के पहले दक्षिण क्षेत्र में निर्मित या फिर यूं कहे संचालित कॉपी रिसर्च सेंटर। 5 से 6 वर्षों से पहले हम यहाँ कभी नहीं सोच सकते हैं कि इस ऐसे क्षेत्र, दुर्गम एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में इस प्रकार की कॉपी रिसर्च सेंटर सरकार के द्वारा संचालित की जाएगी, जो कि एक एग्रीकल्चर क्षेत्र पर इनोवेशन और एक व्यापारिक खेती को बढ़ावा दिए जाने में एक बहुत बड़ा रोल है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉपी हुआ है, यह कॉपी सफल बहुत कठोर है। इसके साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो कि, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं हर हर के दाल एवं अन्य वो बड़े पौधे हैं, वो सिल्वर है, आप दिखा रहे हैं, देख सकते हैं। यह है हर हर के पौधे, यह है हर हर के पौधे, और ये जो दिख रहा है यह है सिल्वर का पौधा। यह भी है कि व्यापारिक किसी के आधार पर लगाया गया एक पौधा है जिसका उपयोग हम अनेक प्रकार के ग्रीस एवं अन्य प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और हमारे साथ जो पिहानंद है वो बताएंगे। मेरे को यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं पहली दफ़ा मैं यहाँ कॉफ़ी सेंटर और पहली बार कॉफ़ी का पौधा देखा जो हम लोग कहीं कभी कागजों में सुना करते थे, सुना करते थे और बड़े चाव से पिया करते थे, पिया करते थे टांग उठा के, यकीन है। इसी को हम आज अपनी आंखों से देख के हमको बहुत खुशी हो रही है और हम आज बहुत हर्ष की बात हर्ष से कह रहे हैं कि हम कॉफ़ी सेंटर में आए हैं जो कि हॉर्टिकल्चर कुमरावंड के तत्वधान पर यहाँ निर्मित करके लोगों को प्रोत्साहन किया जा रहा है इस प्रकार के व्यापारिक कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे हमारे सुदूर हेरियो क्षेत्रों पर कृषि को एक व्यापारिक कृषि में बदलने के लिए ये सरकार द्वारा उठाएगा बहुत बड़ा कदम है। साथ ही साथ बड़े गर्व की बात यह है कि इस क्षेत्र में रहने वाले जो किसान है वो इन क्षेत्रों पर ज़्यादा आकर्षित होंगे, क्योंकि इनोवेशन सिर्फ पहली बार में नहीं होता, मतलब एक अचानक नहीं होता है, बल्कि किसी दूसरे को देखकर ही इस प्रकार की खेती को दूसरे लोगों के द्वारा ही प्रभावित होकर किया जा सकता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से जो पौधे दिख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे बहुत बड़े एरिया पर, यहाँ पर पपीता सेंटर है और यहाँ पर काली मिर्च का पौधे हैं और हर हर के पौधे हैं। इसके साथ ही अनेक प्रकार के जो सब्जियाँ हैं उसका भी यहाँ पर पार्ट टाइम खेती किया जा रहा है, जिससे कि क्षेत्र पर रहने वाले लोगों को ना सब्जियों की कमी होगी और ना ही इस प्रकार की व्यापारिक जो फसल है उसकी कमी होगी। इससे तो इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इस क्षेत्र में एक नया प्रकार के प्रोडक्ट जो उत्पादित हो रहा है उस क्षेत्र में इस क्षेत्र के लोगों को एक प्रकार का रुझान या फिर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा कि वे सिर्फ धान या फिर मक्का भुट्टा इत्यादि से अटकर भी दूसरे प्रकार की खेती में भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो ये रहा सिल्वर का पौधा। अब देख सकते हैं, पहली बार देख रहे होंगे कोई भी, बहुत सारे दोस्त ये हमारे जो पिहानंद है उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि उखाड़ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये बहुत मजबूती से के साथ इसकी जड़ें अंदर तक चली गई है। यह है भिंडी। भिंडी के अलावा बहुत सारे ऐसे सब्जियाँ लगाए गए हैं जो कि इस क्षेत्र पर या फिर यहाँ पर काम करने वाले लोगों को दैनिक पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भिंडी फला हुआ है, देख सकते हो आगे फूल भी निकल रहा है। इस क्षेत्र में, इस छत्तीसगढ़ अंचल के इस नक्सल प्रभावित क्षेत्र में इस प्रकार का इनोवेशन करना बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि इस क्षेत्र पर 5-6 साल पहले इस प्रकार की कृषि के बारे में कोई सोच नहीं सकता। तो इस प्रकार की खेती करना एक इनोवेशन यूँ कहे एक प्रकार का नहीं असंभवित या आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, जो कि इस क्षेत्र के लोगों को इस क्षेत्र में जो एक व्यापारिक कृषि है उस पर आकर्षित करने के लिए उपयुक्त है। और ये जो रिसर्च सेंटर है इसको महाविद्यालय कुमरावंड के द्वारा संचालित किया जा रहा है, जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से संबद्ध है।
सरकार द्वारा इस क्षेत्र पर उठाया गया एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है, जो यहाँ विभिन्न प्रकार के तकनीकों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जा